सो अभी मैं शिव श्रीका मम्मी पापा आए हैं बस स्टैंड पे, क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे। सभी बजने को 9:30 हमारे पास आने वाले कुछ 5 to 10 minutes में हम बैठेंगे एंड रात का जर्नी है तो फिर सोते सोते चला जाएगा एंड सुबह सुबह हम पहुँच जाएंगे राहुल किला। सो चलिए ये सफ़र हम स्टार्ट करते हैं। श्रीका सो गई है और ठंड बहुत ज़्यादा है। ये रहे शिव और ये है हाईवे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रक ही ट्रक, रात का टाइम है तो ट्रक बहुत ज़्यादा चलती है। और गाइज यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड है। बारिश हो रहा है सुबह शाम, ठंड ही ठंड है। सो थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि धूप आ ही नहीं रहा है बिल्कुल, आ भी रहा तो इतना कम आ रहा है कि आ रहा है जा रहा है। सो गाइज हम सब बस में बैठ चुके हैं, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एंड हमने एक स्लीपर सीट लिया था क्योंकि शिविका हमारे साथ थी ताकि वो अच्छे आराम से सो सके एंड अभी तक वो सो ही रही है। आई होप कि उसकी नींद अच्छे से कंप्लीट हो जाए। गुड मॉर्निंग गाइज, तो मैं आ चुकी हूँ अपने सिस्टर इन लॉ के घर पे और हम लोग कुछ रात सॉरी अर्ली मॉर्निंग 4:30 में आ गए थे हमारी बस और फिर डायरेक्ट हम यहाँ आ गए थे। सो के अभी उठ गए हैं एंड अभी ब्रेकफास्ट दीदी बना रही है तो मैंने सोचा कि मैं आपको तब तक घर दिखा दूँ दीदी का। ये देखिए ये है एंट्री और ये रहा दीदी का घर, सुंदर सा, बहुत ही कोजी है, बहुत ही अच्छा है। इतना बड़ा गार्डन इनको मिला है बैठने, गार्डन को मिला यूज़ करने के लिए, बहुत सारे दीदी ने फूल लगाया हुआ है और ये देखिए आम है, नारियल का पेड़ है और इधर तो दीदी ने साग सब्जी भी उगा दिया है और सामने है छोटू सा पार्क। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, दीदी ने मुझे अपना स्वेटर दे दिया है, थैंक यू दीदी। और बहुत ज़्यादा ठंड है, बच्चे जीजू शिव सब अभी गए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए एंड अभी मैं और दीदी जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन करेंगे फिर नहाएंगे एंड देन हमें जाना है बाहर। सो, हमें एक शादी अटेंड करना है, हमारे रिलेटिव का शादी, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। कुछ दिन हम यहाँ पे रहेंगे, शादी अटेंड करेंगे एंड देन फिर यहाँ से जाएंगे। तो ये है दीदी का हॉल, किचन, फ्रिज, ये है एक बेडरूम, सारा ब्लैंकेट, अभी सब सो के उठे थे ब्लैंकेट ऐसे ही है, बाथरूम एंड ये और एक बेडरूम। और ये रही दीदी। दीदी हाय बोलो, कैसा लग रहा है आपको हम लोग आए तो? बहुत अच्छा दीदी, सबको सोए थे दीदी, जैसे ही ऑटो वाले ने हॉर्न बजाया दीदी सबसे पहले उठ के दौड़ दौड़ के, मतलब ऐसे ठंड में बिना स्वेटर बिना ये हमें रिसीव करने आई अच्छा लग रहा है ना दीदी, हमें भी अच्छा लग रहा है, पता है ये घर इतना कोजी इतना सुंदर है। तो मम्मी का फोन आ गया। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट बनाने, फिर बच्चे लोग आएंगे, हम लोग जल्दी खाओ के हमें निकलना है बाहर। सो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट बना लेते हैं पहले। सो अभी ब्रेकफास्ट हमारा बन रहा है, सारी तैयारियाँ हो चुकी है। सो बेसिकली अभी दीदी के यहाँ पे सिर्फ मैं शिव शिविका आए हैं, मम्मी पापा रास्ते में ही हमारे रिलेटिव का घर पड़ता है वहाँ पे उतर गए, वहाँ पे शादी है वो वहीं पे रहेंगे। हम लोग यहाँ से जाके शादी अटेंड करेंगे एंड देन फिर शादी अटेंड करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे मम्मी पापा के साथ। सो वो वहाँ पे हैं शादी वाले घर में और हम इस घर में दीदी के पास। सो देखते हैं, बहुत दिनों बाद मैं शादी अटेंड करने वाली हूँ और ससुराल साइड का शादी पहली बार अटेंड कर रही हूँ। तो बेसिकली ये मम्मी की बहन के बेटे का शादी है, मतलब शिव के मौसी जी के बेटे का शादी है। सो बहुत मज़ा आएगा, शादी का खाना बहुत दिन से खाई नहीं हूँ। ईशित यहाँ हो रहा है, दीदी नहा ली और बच्चे भी आ गए हैं मॉर्निंग वॉक से। ये रही शिविका और अभी मैं जा रही हूँ नहा। यहाँ चल रहा है सबका ब्रेकफास्ट और ये लीची। सो यहाँ भैया पहना रहा है जूता।
सो हम सब रेडी हैं बाहर जाने के लिए, सब कार में भी बैठ रहे हैं। आप आगे बैठ रहे हैं शिव? हाँ ठीक है शिव। दोनों जूता भैया। इशु दीदी, इशु अच्छा आए हम यहाँ पे फोरम मॉल, अभी चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं मॉल। रिपब्लिक डे का सेल चल रहा है, देखते हैं कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। अभी हम आए हैं रिलायंस स्टोर थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग करने। हमारे कपड़े का शॉपिंग हो गया, हमें कपड़े का शॉपिंग हो गया, हमें उतना कुछ पसंद नहीं आया तो हम आ गए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने। बिलिंग हो रहा है और मैं कर रही हूँ रेस्ट। लाडू कौन है? छुटकी का है? छुटकी दोनों एक साथ दोनों क्यों नहीं? बुद्धू कहाँ बुद्धू है? जय जय लड़ो। हम खा के निकल गए केएफसी से, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं रसना? प्लूटन मॉल है यहाँ पे कुछ नया ना, वहाँ हम जा रहे हैं। गाड़ी पे लीची अब हम जा रहे हैं प्ले जोन में, देखते हैं क्या गेम्स है हमारे लिए और बच्चों के लिए। अब ये बड़ी हो चुकी है, इसका सारा डिमांड अब बढ़ रहा है। शिविका
4 पॉइंट, रसन 4 पॉइंट, कम ऑन। यार ये जाने का नाम नहीं ले रही है, मैं इसको खींच के ले गया वापस आ गई। अभी आए हैं फूड कोर्ट खाने के लिए। हांजा एंजॉइंग पिज्जा। थक गया। शिविका लिची लिख मामा मामा।